नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण्स किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं मार्केट से सब्जियाँ नहीं खरीदती हूँ, तो जैसी ज़रूरत होती है मैं वैसी सब्जियाँ अपने गार्डन से तोड़ती रहती हूँ। और जब बहुत अधिक मात्रा में सब्जियाँ तोड़ने को रहती हैं तब मैं उनकी हार्वेस्टिंग वीडियो बनाती हूँ। तो आज कुछ सब्जियां हैं तोड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ बीन्स जो हैं उनके फूल आने लगी हैं। ये बेल वाली बीन्स हैं और इसके फूल बनने लगी हैं इस तरह से, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं ये फूल और बहुत ही हेल्दी हैं इसके प्लांट। तो चलिए इधर से शुरू करती हूँ। तोरी जो है वो जो मैंने दूसरी बार लगाई थी, बारिश के सीज़न की दूसरी तोरी जो है, जिसे मैंने सितंबर मंथ में लगाया था, वो तैयार है दूसरी बार हार्वेस्टिंग के लिए। देखिए इस तरह से, और काफ़ी बड़ी बड़ी लंबी लंबी और बहुत ही अच्छी संख्या में हुई हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से झुंड में लगभग यहाँ 6 से 7 तोरी एक ही जगह पर देखिए इस तरह से तोड़ने को है। तो बहुत ही अच्छी तोरी हुई है और ये दूसरी बार हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो दूसरी बार की जो हार्वेस्टिंग होती है हमेशा बहुत अधिक संख्या में होती है। दोस्तों, पेड़ पौधों के एक नियम है कि जब पहली हार्वेस्टिंग देते हैं तो वो कम संख्या में देते हैं, और जब दूसरी बार देते हैं तो बहुत अधिक संख्या में देते हैं, फिर कम होने लगती हैं, 1, 2, 3 इस तरह से आती हैं। तो देखिए, ये दूसरी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ इन पौधों से। तो चलिए दिखाती हूँ, बहुत अधिक संख्या में आई है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही लंबी लंबी आई है। तो दोस्तों, इसे मैंने 18x18 के ग्रो बैग में लगा रखा है और एक ग्रो बैग में मैंने 4 की संख्या में पौधे डाले हैं। तो बहुत अधिक संख्या में देखिए इस तरह से जो तोरी है वो आई है। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है या 6 लोगों की फैमिली है, तो आप अगर 8 से 10 पौधे लगाते हो तो बहुत ही अच्छी संख्या में तोरी मिलती है हार्वेस्टिंग के लिए, और किचन की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है। और इतनी संख्या में लगाने के बाद आपको मार्केट से तो बिल्कुल भी सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मैं कल मार्केट गई थी और मैंने वहां सब्जी के रेट वही किए, बहुत ही महंगी सब्जी चल रही है इस समय में। और देखिए मेरे गार्डन में है जो है वो सब्जियां भर भर के निकल रही हैं। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि मैं अपने गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा रही हूँ और बहुत ही महंगी चल रही हैं। ऐसे समय में अगर आपको घर से तोड़ने के लिए मिल जाती है इतनी सारी तोरी, देखिए इस तरह से एक ही जगह पर लगभग 8 या 10 तोरी लगी हुई हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली को इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगा कर खिलाना। और मैं कभी भी मार्केट से सब्जियां नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में हमेशा 4 से 6 सब्जियाँ जो होती हैं वो हमेशा तैयार रहती हैं तोड़ने के लिए। अभी देखिए तोरी तैयार है पूरी तरह से तोड़ने के लिए, भिंडी तैयार हो रही है, सीम की फली तैयार हो रही है तोड़ने के लिए, बैंगन तैयार हो रहे हैं फिर से, नए पुराने सभी तरह के बैंगन हैं। तो दोस्तों देखिए, गार्डन में इस तरह से अगर 4 से 5 सब्जियां अगर आपके लगी हुई हों तो मार्केट से कभी भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से अगर आप थोड़ी सी अधिक संख्या में लगाते हो सब्जियों को, मतलब पौधे थोड़ी सी अधिक संख्या में लगाते हो, किसी भी पौधे को अगर आप 4 से 6 की संख्या में लगाते हो तो मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इतनी सारी तोड़ी तोड़ ली है, लगभग ये 3 से 4 केजी तो ज़रूर होंगे। तो चलिए अब तोड़ती हूँ कद्दू। तो दोस्तों, मैंने कद्दू की 2 बेल लगा रखी है और उसमें जो फल बन रहे थे तो बारिश के दिनों में चूहे जो हैं उसे पूरी तरह से कुतर दे रहे थे। बहुत अधिक संख्या में फल लगे थे लेकिन चूहों ने एक भी फल जो है बनने नहीं दिए, बड़े होने नहीं दिए, क्योंकि वो छोटे छोटे में उसे कुतर देते थे। तो बहुत अच्छी बेल बनी थी इसकी, बहुत स्वस्थ थी, लेकिन देखिए शायद चूहे नहीं हैं तो इस तरह से फिर से जो है कद्दू बनने लगी हैं इस तरह से। और ये देख रही हूँ अभी कि एक कद्दू जो है यहाँ छुपी हुई है और ये तैयार है। तो इसकी सेप साइज जो है वो थोड़ी सी सही नहीं आई है, क्योंकि मैंने इसमें खाद डालना जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि चूहे इसे कुतर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो मिलेगी नहीं,
तो फिर मैंने इसमें खाद डालना छोड़ दिया था और ये छुप कर बैठी हुई थी देखिए, और इसकी सेब साइज़ जो है वो सही नहीं आई। लेकिन देखिए ये काफ़ी बड़ी है, तो इसकी 4 सब्जी आराम से बन जाएगी। अब चूहे गार्डन से चले गए हैं तो मैं अपने कद्दू के प्लांट में खाद डालना शुरू करूँगी और जितने भी फल बन रहे हैं वो उनके सेब साइज फिर से सही हो जाएंगे। तो दोस्तों खाद बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखी है मालाबार स्पिनिच और ये हरे रंग की है और पर्पल कलर की भी इसके तने जो हैं वो उस तरह की भी आती हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छी होती हैं, दोनों ही शरीर को बहुत स्वस्थ रखती हैं, दोनों को ही खाने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और इसे मैंने बीज से लगाया था और इसके बीज मैंने पुराने जो पिछले साल के जो बीज थे उन्हीं से बनी थी, तो उन्हीं को तोड़कर रखा हुआ था और उसी को लगाया था। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाती है और बहुत ईजिली ग्रोथ कर जाती है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही हर 15 दिनों में ये तैयार हो जाती है। आप इसे कट कर दीजिए और फिर से इसके तनों में इसके फिर से इस तरह से तैयार हो जाते हैं, तुरंत नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और तुरंत 15 दिनों में फिर से तोड़ने के लिए मिल जाती है। तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है इसकी, तो अपने गार्डन में आप इसे ज़रूर लगाइए। मैं हर साल लगाती हूँ इसे और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है इसकी। देखिए इतने सारे निकल गए, इसकी पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से बहुत अधिक संख्या में मैंने इसे भी तोड़ लिया है। तो देखिए ये भी आराम से इसकी पत्तियों की सब्जियाँ बन जाएंगी, पकौड़े बन जाएंगे और डंठल की सब्जी। तो देखिए इतनी सारी सब्जियाँ मुझे आज तोड़ने को मिल गई छत से, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। और बहुत खुशी होती है जब थोड़ी सी अधिक संख्या में सब्जियाँ निकलती हैं तो दिखलाने में। दोस्तों ये मेहनत के फल हैं मेरे। तो आप भी अपने गार्डन में सब्जियाँ इस तरह से लगाइए और अपने परिवार को हेल्दी रखिए, उन्हें ऑर्गेनिक खिलाइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।